देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। प्रदेश में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के विरोध में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया मामले को लेकर वह लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, इस विषय में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया था, परंतु आज भी अवैध खनन और लोडिंग पर अंकुश नहीं लगाया गया और मार्च माह में अवैध खनन और ओवरलोडिंग फिर से शुरू हो गई है, जिसमें अधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे सभी व्यवस्था खराब हो गई है। हम अपील करते हैं कि पारदर्शिता के साथ सभी के लिए नियम बराबर किए जाएं। यदि दो दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो डंपर संचालक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांग ये कि शिमला बाईपास रोड जो है वो डंपर के लिए प्रतिबंधित है, सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह सभी के लिए वो रोड खुला हुआ है तो वो हमारे लिए भी खोल दिया जाए। लोडिंग की चेकिंग होती है, हमारे लिए ये है कि हम लोग सिर्फ अपने वाहनों में 9 टन वाहन के हिसाब से चलें। पूरा प्रदेश ओवरलोडिंग की चपेट में है। मैं अभी आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, हम लोग आज की डेट में आशा रोड चेक पोस्ट में हैं और इस चेक पोस्ट को बने हुए जब से राज्य बना है चेक पोस्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक कांटा है, वो कांटा जब से बना है आज तक चालू नहीं हुआ। इससे बड़ी अव्यवस्था इस राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या हो सकती है कि वो लोग इस व्यवस्था को ठीक करना ही नहीं चाहते। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।